ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति के मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया। हिंदुस्तान के युवाओं को ये बात समझनी होगी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से डरने लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति के मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है। और वो सब डर के गए हैं। 4000 किलोमीटर चला, उसके बाद 6000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र, मुंबई, धारावी। क्या मैंने देखा, क्या सुना, मैं आपको समझा नहीं सकता, शब्दों में नहीं बता सकता। मैं आपको बोल रहा हूं तो बात याद आई, मेरे पास एक युवा आता है, जीप पर कूदता है, सिक्योरिटी वाले उसको मारते हैं, दबाकर मारते हैं, तब भी वो आता है, हाथ पकड़ता है, आंख में आंसू, मुझे कहता है, राहुल जी मैंने 3 साल हर रोज सुबह रनिंग की, पुलअप्स की, पुशअप की, दंड बैठक सब कुछ मैंने किया, मेरे दिल में देशभक्ति थी, मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं, देश के दुश्मनों के सामने कांपूं, और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं, ये मैंने सोचा था। राहुल जी अग्निवीर लागू कर दिया, मेरे देश ने मुझे धोखा दिया है। नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसी शक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों, सिर्फ मास्क है, मुखौटा है, जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। धारावी को देखिए आप, मुझसे पूछा गया कि ये जो यात्रा होगी कहां से कहां होगी, मैंने सोचा एक बात क्लियर थी, मणिपुर से शुरू होगी, क्यों, वहां पे इसी शक्ति ने सिविल वॉर का माहौल बना रखा है, भाई भाई को मार रहा है, गोली मार रहे हैं, तो शुरुआत तो वहां से होगी। और फिर मैंने सोचा अगर हिंदुस्तान को नया विजन देना है तो यात्रा धारावी में खत्म होगी। यह हुनर का कैपिटल है, हिंदुस्तान के टैलेंट का, स्किल का, हुनर का कैपिटल है, और इनको यहीं से, मुंबई से, इनके घरों से वही शक्ति इनको उठाकर बाहर फेंक रही है। एक साथ मिलकर वही शक्ति इन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है। मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूं, चाइना में एक शहर है, उसका नाम शेंजेन है, सच्चा मुकाबला उस शहर से है जो आपको मीडिया में कभी कोई नहीं बताएगा। धारावी शेंजेन का मुकाबला कर सकता है। बैंक के दरवाजे इन बच्चों के लिए खोलो, इन बच्चों को सरकार की मदद करो, और फिर देखो ये शेंजेन का क्या करते हैं, उठा के परे कर देंगे शेंजेन को ये लोग, मेड इन मुंबई, मेड इन धारावी, मेड इन चाइना को उड़ा के हटा देगा, परे कर देगा।
मगर नहीं, 22 लोग हैं यहां पे, 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते हैं, 10 दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाता है, वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 10 दिन में शादी के लिए खुल जाता है वो ठीक है, करना है करो, मगर बाकी हिंदुस्तान में भी तो खोलो, बाकी प्रदेशों में खोलो। इन्होंने क्या गलती की है? 50% हिंदुस्तान की आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5% 7% गरीब जनरल कास्ट के लोग। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, नाम दिखा दीजिए मुझे, दलित का नाम दिखा दो, आदिवासी का नाम दिखा दो, पिछड़े का नाम दिखा दो लिस्ट में, एक नहीं मिलेगा आपको। मैं ढूंढ रहा हूं, महीनों से ढूंढ रहा हूं, इनकी गलती नहीं है बेचारों की। जैसे मोदी जी मुखौटे हैं, जैसे उनका रिमोट कंट्रोल इनका भी है, मीडिया में कोई नहीं। हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए, गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति का नाम बता दो मुझे, दलित का, पिछड़े का, किसी भी गरीब व्यक्ति का नाम बता दो, किसी भी पिछड़े का नाम बता दो 200 कंपनियों के मालिक की लिस्ट में, नहीं मिलेगा। 90 अफसर इस देश को चलाते हैं, मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं, सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं, मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं, कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मोदी जी को दबा सकते हैं तो 90 लोग हैं, उसमें एक 3 पिछड़े हैं, 3 दलित, 1 आदिवासी, फर्स्ट जनरेशन गरीब जनरल कास्ट का मुझे दिखा दो, उसमें एक नहीं मिलेगा। बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी सबको मिला दो, 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। पॉलिसी कहां बनती है? पॉलिसी ये 90 लोग बनाते हैं, उसमें 200-300 और जोड़ दो, उसमें 50-60 अरबपति जोड़ दो, ये है सच्ची शक्ति जो हिंदुस्तान को चला रहा है। और इससे आप कोई नहीं बचेगा, आप में से कोई नहीं बचने वाला। यहां किसी ने ईवीएम की बात की, मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए, ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए, इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है।
ये आप लोग जीएसटी देते हो, उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है। 18% शर्ट पे देते हो उतनी वो देता है। उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी 50,000 रुपए। और फिर देखो पैसा कहां जाता है। कोई भी स्कीम देख लो, फसल बीमा योजना देखो, 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनियों को जाता है। उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक गरीब नहीं मिलेगा। कानून ये 90 लोग बनाते हैं। पैसा जाता है 16 कंपनियों में। और जब हमारे किसान कहते हैं ओला गिर गया, बारिश हो गई, बर्बाद हो गए, वो कहते हैं भैया नहीं, तुम्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें कैसे मिलेगा, मर जाओ जाके। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को भटकाने का है। कभी आपसे कहेंगे देखो देखो चाइना की ओर देखो, पाकिस्तान की ओर देखो, कभी मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर देंगे, थाली बजाओ, कभी कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया, जैसे अभी किसी ने उनकी पत्नी के बारे में बोला, अब कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया, ध्यान भटकाने के लिए। अब देखना होगा, मगर यात्रा में ये सब साफ दिख जाता है, दर्द दिख जाता है, दुख दिख जाता है। चालीस साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, मीडिया में आपको एक मिनट के लिए नहीं दिखता। मोबाइल फोन आप देखते हो, चाइना का मोबाइल फोन, शर्ट खरीदते हो चाइना की शर्ट, जूते खरीदते हो चाइना के जूते। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है, और किसको फायदा हो रहा है, और किसको फायदा हो रहा है, यह आपने कभी पूछा अपने आप से? जब चाइना का यहां माल बिकता है, सिर्फ चाइना को फायदा नहीं होता, हिंदुस्तान के अरबपतियों को भी फायदा होता है भाई और बहनों। इसलिए धारावी को कभी उठने नहीं देंगे, इसलिए धारावी को सरकार, ये सरकार कभी सपोर्ट नहीं दे सकती। पूरा सिस्टम कंट्रोल में है। जब इनकी पहले सरकार आई, मैं आपको दिल की बात बताता हूं, पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं राहुल, ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है, अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे, लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कर लोगे मेरा। ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया, अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर, मुझे पता है क्या बोलता है, कहता है राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। ईडी का अफसर बोलता है मुझे, मगर मैं राहुल गांधी नहीं हूं। आप यह मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं,
आप ये मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं, ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। आप देखिए हर प्रदेश से यहां लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति ने अपनी यहां बात रखी, स्टालिन जी ने अपनी बात रखी, सोरेन जी ने अपनी बात रखी, ये हिंदुस्तान बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग देखिए, वहां सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है। गडकरी जी परे हो जाते हैं, माला के बाहर निकाल देते हैं उनको। इसलिए हमने इसको इंडिया गठबंधन नाम दिया है, ये हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है। ये सब लोग डरे नहीं हैं, ये सब लोग उसी सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं चार तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई भेज देंगे, जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी, जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं, यहां मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, ठीक है, वो हो रहा है, वो ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने इनको पकड़ रखा है, उनके पीछे एक और शक्ति है, वो कह रही है भैया आप देखो हमें ये एयरपोर्ट चाहिए। आपका एयरपोर्ट मुंबई का एयरपोर्ट है ना, आपने तो देखा सीबीआई की इंक्वायरी हुई और उसके एकदम बाद मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को मिल गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे आपका नुकसान हो रहा है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, जो हिंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। चाहते हैं कि यहां सिर्फ 20-25 कंपनियों का राज हो, चाहते हैं कि ये जब छोटा धंधा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानें चलाते हैं, चाहते हैं ये सब खत्म हो जाए और एक के बाद एक इनको खत्म कर रहे हैं। स्मॉलर भी मीडियम मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सबको खत्म कर रहे हैं। यही लोग तो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, जो स्मॉलर मीडियम इंडस्ट्री है वही तो चाइना का मुकाबला करेगी, वही तो देश को रोजगार देगी। उस नींव को उड़ा रहे हैं। और आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपके बिना काम नहीं बनने वाला। आप हो भारत माता, आप सब भारत माता हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी है
मगर देश के युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है। पूरा देश अग्निवीर के खिलाफ है। मैं 4000 किलोमीटर चला, एक युवा ने मुझे नहीं कहा कि अग्निवीर अच्छा लगता है। वो जो रो रहा था मुझे कहता है, राहुल जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अग्निवीर नहीं बनूंगा। और फिर मुझे कहता है, राहुल जी जहां पे पहले हम दौड़ने जाते थे वो सब खाली पड़ा है। यात्राओं से मुझे बहुत सीखने को मिला, दर्द भी हुआ, चोट भी लगी, मगर जो प्यार मिला, दिल से जो प्यार मिला, वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं कह नहीं, बता ही नहीं, समझा नहीं सकता आपको। और जो भी आप मुझसे करवाना चाहो, जहां भी आप मुझे बुलाना चाहो, मैं आपके लिए और इस देश के लिए हाजिर हूं। यह नफरत का देश नहीं है, यह मोहब्बत का देश है। नफरत जानबूझ के फैलाई जा रही है। नफरत इसलिए फैलाई जा रही है कि आप अपना ध्यान इधर उधर करो और आपके जेब में से आपका पैसा लूटा जाए, छीना जाए। तो नफरत को नहीं फैलने दो। जैसे यात्रा से मैसेज निकला, हिंदुस्तान के दिल से मैसेज निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। ये हमारे सब महापुरुषों ने कहा है, गांधी जी ने कहा, बुद्ध भगवान ने कहा, राम जी ने कहा, यही कहा। अगर राम का, बुद्धा का एक ही मैसेज है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। धन्यवाद।